हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सरी ट्रेडर्स में। दोस्तों, कल के लिए जो इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट किया हूँ उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें ज्वाइन होना जाना। साथ में ही व्हाट्सएप का लिंक है। अगर IIFL सिक्योरिटी या 5SA के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ में ही इस यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह डेफिनेटली ले लीजिएगा। जो आज के लिए स्टॉक्स को जो कल मतलब 13 जुलाई 2021 मतलब दिन मंगलवार के लिए जो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है वो है V2 Retail Limited। V2 Retail Limited को जो आज के सत्र में जो आप देख रहे हो कि 10% तक का अपर सर्किट लगाया है, मुझे लगता है कि कल भी आपको 5-10% का अपर सर्किट इसमें लग सकता है। तो V2 Retail Limited को कल भी रखिएगा रडार पे। मेरा मानना है कि 135 रुपीज़ से लेकर 140 रुपीज़ का टारगेट आसानी से अचीव करता हुआ दिखेगा V2 Retail के अंदर। इंट्राडे का टारगेट से अगर लंबी अवधि के ट्रेडर्स हो तो बाई करके होल्ड कर रखो, आपको 2-3 वीक के अंदर 155 का टारगेट आपको अचीव करता हुआ इसके अंदर दिखेगा। करीबन 20% तक का आपको मोमेंट इसके अंदर अभी भी मिल सकता है। अगर आप 1 मंथ के लिए 20-25 दिन के लिए होल्ड करते हो तो आपको इसके अंदर 20-25% तक का आपको रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। तो अगर आप होल्ड करते हो 20 डेज के लिए तो आपको 25% तक का रिटर्न आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कल के लिए 135-140 रुपीज़ के टारगेट के लिए V2 Retail को आप बाई कर सकते हो। कल तेज़ी के संकेत हैं, कल तेज़ी के संकेत बने रहेंगे मार्केट में, तो आप मार्केट को कल बाई साइड में ही ट्रेड कीजिएगा, बाई करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा स्टॉक्स जो मैं सिलेक्ट किया हूँ काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड का है, और ये दोनों स्टॉक्स 5 डेज के अंडर में ये कंपनी ने करीबन 20-20% तक का मोमेंट लगातार दिया है। 5 डेज का रिटर्न अगर आप देखोगे तो करीबन 54% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 मंथ का रिटर्न देखा गया जाए तो 35% तक का है, 6 मंथ का रिटर्न 50% तक का है। अभी तक इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। 125 रुपये तक का अभी तक का मोमेंटम हुआ है, तो करीबन 40-45 रुपये तक का ही ये स्टॉक्स है। तो काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड को अंदर आप कल मतलब मंगलवार को आप इसको पोजिशनली आप इस स्टॉक को इंट्राडे के बिहाफ से भी बाई कर सकते हो। पहला टारगेट 174 से लेकर 179 के टारगेट के लिए आप इसको बाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि कल भी आपको 10-50% तक आपको इसके अंदर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड के अंदर आप इसको भी इंट्राडे के बिहाफ से आप रख सकते हो। बाकी अगर लंबी अवधि के लिए अगर 10-15 दिन के लिए होल्ड करते हो तो आपको 180 के टारगेट के लिए आप अचीव कर सकते हो। 180 से लेकर 185 से लेकर 200 के टारगेट के लिए इसके अंदर आप जा सकते हो। पैसोलो डिजिटल लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर भी मुझे लगता है कि कल के दिन में एक अच्छा खासा रैली आपको 5 डेज का रिटर्न देखा जाए तो 50% तक का है। पैसोलो डिजिटल आपको कल भी आपको इस स्टॉक के अंदर आप मोमेंटम रख सकते मिल सकता है। कल 700 से लेकर 705 के बीच में अगर इस स्टॉक को बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई कीजिएगा। 700 से लेकर 705 के लिए मिले तो बाई करेंगे, होल्ड कीजिए। आपको 716 रुपये का फर्स्ट टारगेट, दूसरा है 725 रुपये तक के टारगेट के लिए आप इसके अंदर में जा सकते हो। 725 से लेकर 28 रुपये तक के टारगेट के लिए आप पैसोलो डिजिटल के अंदर 700 से लेकर 705 रुपये के बीच में बाई करने हैं, होल्ड करना है। आपको 715 से लेकर 728 रुपये तक के टारगेट के लिए पैसोलो डिजिटल के अंदर आप इसको बाई कर सकते हो। इंट्राडे के बिहाफ से आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें 96 रुपीज़ का अभी प्राइस चल रहा है। कल भी आप इसके अंदर मोमेंटम देख सकते हो। कल आप इस कंपनी के अंदर 97 के अबव निकलता है तो आप बाई करना है। 97 के अबव निकलता है तो बाई करना है, होल्ड करना है। पहला टारगेट 99.5 और दूसरा है 103 रुपये तक का टारगेट आप इसके अंदर देखने को मिल सकता है। पहले भी इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था बॉम्बे डाइंग को, जब 85 रुपीज़ पर चल रहा था। बॉम्बे डाइंग को अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि बाई करके होल्ड करते हो तो आपको 112 रुपये से लेकर टारगेट 120 रुपये तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है आपको 20 दिन से 25 दिन के लिए। अगर आप कल इंट्राडे के बिहाफ से अगर 97 के अबव निकलता है तो बाई करना है।
99.5 का पहला, दूसरा है 103 रुपये तक के टारगेट के लिए बॉम्बे डाइंग को आप बाई कर सकते हो कल के दिन के लिए। रेमंड्स को मैं पहले भी इसके स्टॉक के अंदर हमने रिकमेंड किया था, रेमंड्स को कल भी इंट्राडे के व्याप से रख सकते हो आप स्टॉक को। कल 540 के अबव निकलता है तो आपको बाई करना है, स्टॉप लॉस लगा लेना है 532 का। टारगेट रखिएगा 548 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 555 का पहला सेकेंड टारगेट के लिए आप जा सकते हो रेमंड्स के अंदर। रेमंड्स जब ब्रेक करे 440 के लेवल को ब्रेक करे तो बाई करना है, स्टॉप लॉस 532 रुपये, 440 रुपये के लेवल को जब ब्रेक करता है तो बाई करना है, स्टॉप लॉस 432 रुपये का रखिएगा। टारगेट रहेगा 455 रुपये तक का टारगेट आप इसके अंदर रिकमेंड हो सकता है, और मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा आपको मोमेंटम दिख सकता है रेमंड्स के अंदर। लंबी अवधि के ट्रेडर्स हैं तो बाई कीजिए, होल्ड कीजिएगा अभी भी 475 से लेकर 520 रुपये तक के लिए। 20 से 25 दिन के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करता हुआ रेमंड्स के अंदर देखने को मिल सकता है। सेंचुरियन टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके अंदर भी आज के सत्र में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, करीबन 5% तक का हाई जो लगाया था 723 रुपये का। कल ये स्टॉक 710 के अबव निकलता है तो बाई करना है, स्टॉप लॉस 700 का है। टारगेट रखिएगा 718 रुपये से लेकर 730 रुपये तक का टारगेट इसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर मिल सकता है। लंबी अवधि में 745 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में इस टेक्सटाइल के अंदर। 710 के लेवल को ब्रेक करें, कोई भी स्टॉक्स बाई और सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनाए जाते हैं इस चैनल पे सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूं। और जब लेवल ब्रेक करे स्टॉक्स के अंदर तभी बाई कीजिएगा। कल मिंडा इंडस्ट्री को बाई करना है, मिंडा इंडस्ट्री याद रखिएगा, मिंडा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड। मिंडा इंडस्ट्री को कल बाई करना है, 680 के अबव निकलता है तो बाई करना है, 680 के अबव निकलता है तो बाई करना है, स्टॉप लॉस 670 रुपये का रखिएगा। टारगेट रखिएगा पहला 690 से लेकर 705 रुपये तक के टारगेट के लिए आप मिंडा इंडस्ट्री को अपने वॉचलिस्ट के अंदर दे रख सकते हो। 5 डेज का रिटर्न देखा जाए तो करीबन 5% तक का है, 1 मंथ का रिटर्न 11% तक का है। अभी तक इस कंपनी ने कुछ खास करके ऑल टाइम हाई में करीबन इस कंपनी ने 2009 में ये कंपनी करीबन 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, मगर अभी ऑल टाइम हाई 678 है तो करीबन 500 इतना गुना प्रॉफिट दे रहा है। तो मिंडा इंडस्ट्री को बाई करना है कल 680 के अबव। टारगेट आपका रहेगा 690 का पहला, दूसरा है 700-705 रुपये तक का मिंडा इंडस्ट्री कल आपको टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है।